ज्योतिष के हिसाब से क्या है शनि ग्रह के गुण, आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। हम लोग ज्योतिष में शनि को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते, सब लोग उसको न्याय का ग्रह बोलते। आपने किस तरीके के कर्म किए उस तरीके का आपको फल देता है शनि। जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनको हम शनि से जोड़ते हैं। साढ़े साथी आती है जीवन में हमारे, तो हमें बहुत सारी नई चीजें सिखा के जाती है और जिंदगी के एक नए मुकाम में पहुंचा के जाती है। आप ये ना माने कि साढ़े साथी खराब ही होती है, हर 30 साल में आती है और आदमी का जीवन अस्त व्यस्त करके हिला डुला के वापिस किसी नए मुकाम में पहुंचा के जाती है। तो आप देखिए कि शनि कितना इम्पोर्टेंट है। मेटीरियल चीजों से रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड है। एक्चुअल में शनि है क्या? शनि जो है वो सूर्य पुत्र है, लेकिन सूर्य ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो उसकी माता है छाया, उसको जब पता चला कि वो उसकी पत्नी नहीं है तो उन्हें निकाल दिया उसने। तो शनि क्या है? एक कुंठित व्यक्ति है जो कि सेवक है और तपस्या करना जानता है, जिसके जीवन में सिर्फ काम 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 है। कर्म का कारक है शनि, जिसको किसी भी एंजॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है, जो दुखी है, अंदर से पीड़ित है, कुंठित है, जिसको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे मिलता नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कभी कभी वो काम चोरी भी करना चाहता है लेकिन करता नहीं है, हमेशा काम करता है, लगा रहता है, देर तक काम करता है लेकिन धीरे धीरे काम करता है। देखिए ना, काम करने की अपने आप की शक्ति उसमें कम हो जाएगी क्योंकि उमंग नहीं है ना उसके अंदर किसी भी चीज को करने की। वो काम कर रहा है सेवा की भावना से, तपस्या की भावना से, और धीरे इसलिए भी है कि शनि जो भी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है। जल्दबाजी का, टाल मटोल का काम शनि नहीं करता, बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग शनि प्रधान होते हैं जिस भी काम को लेते हैं उसको पूरे दिल से और पूरी मेहनत से करते हैं। थोड़ा सा समय चाहे ज्यादा लगे लेकिन अच्छे से करते हैं। जल्दबाजी वाला काम उनको नहीं पसंद होता क्योंकि शनि को पसंद है अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से काम करें। आपकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है वो डिपेंड करता है आपका कुंडली में शनि कैसा है। शनि पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन का ग्रह है। अगर शनि अच्छा है तो अच्छी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तपस्या हमारे अंदर कितनी है, सेवा भावना हमारे अंदर कितनी है, सबकी सब शनि से जुड़ी हुई है क्योंकि शनि सेवा करने वाला ग्रह है। उसके बाद भौतिक चीजें देने वाला ग्रह है, लेकिन वो पसंद नहीं करता है कि मजाक मस्ती, खेल कूद, इंजॉयमेंट शनि को पसंद नहीं है, सिर्फ काम 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 पसंद है। वो नहीं समझता इन सब चीजों को कि आप कहीं पे कमजोर पड़ गए, आपको कुछ परिस्थिति ऐसी थी और उसमें आपने ऐसा काम कर दिया। शनि कहता नहीं, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना कठोर बनाओ कि कोई भी परिस्थिति हो आप सेवा करो, आप तपस्या करो। जब तक जीवन में ये सेवा वाला भाव नहीं होगा तो आप जीवन में कैसे कुछ कर पाएंगे। कभी भी आप भिखारियों को शनि से ना जोड़े, मजदूरों का जोड़े, जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो हम लोग हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मजदूर ही मेहनत करता है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, उसको भी आप शनि से जोड़िए। तो शरीर की मेहनत होती है उसको हम शनि से जोड़ते हैं, बुद्धि की मेहनत को नहीं जोड़ते। वो तो बुद्धि तो बुद्ध से आ जाएगी ना रिलेटेड, तो शरीर की मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। और वो लोग बहुत सीधे होते हैं दिल के जो शनि से जुड़े हुए होते हैं, थोड़े से कठोर भी होते हैं क्योंकि हम इसे पाप ग्रह मानते हैं शनि को, क्योंकि वो जिस भी इस ग्रह के साथ रहता है उसको पीड़ित कर देता है, कठोरता देता है ना। वो कहता है कि न्याय होना चाहिए, आप कैसे इस परिस्थिति में फिसल गए, आपने कैसे ऐसा सोच लिया, क्योंकि उसके लिए इन सब चीजों की कोई महत्व नहीं है कि आप इंजॉयमेंट करें, आप कमजोर पड़े। एकाग्रता होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। जिसके अंदर एकाग्रता है, तपस्या है, वो कैसे फिसलेगा, कैसे वो किसी और परिस्थिति में कमजोर होगा, कैसे गलत काम करेगा। उसको तो मजबूत होना ही चाहिए ना, पूरी तरीके से सेवा भावना से जुड़ा हुआ है शनि। पिछले जन्मों में जो भी हमने किया है उसका भी लेखा जोखा पूरा लेके आता है शनि। जब आपकी शनि की दशा आएगी तो जो आपने किया है उसका भुगतान करने का आप सोच लीजिए कि समय आ गया। शनि की दशा में सब आपने जो किया है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और वो चीजें आपके पास आएंगी शनि की दशा में क्योंकि उन सब चीजों से जुड़ा हुआ है शनि, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है शनि, अच्छी मेडिटेशन देता है शनि। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो चेक कीजिए, कहीं आपका शनि तो खराब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका शनि कुछ वीक हो रहा हो। खराब का मतलब मैं यहाँ पे वीक कहूंगी, कहीं वीक हो रहा हो, आप ना कर पा रहे हो,
तो आप अपने शनि को मजबूत कीजिए। शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है। और कैसे होगा मजबूत? आप वॉक कीजिए मॉर्निंग वॉक की, काम कीजिए, आलस अपने अंदर से निकालिए। जबकि आलस से भी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है शनि, क्योंकि जो आदमी खूब काम करता है उसको आलस भी आता है, तो शनि से ही आलस जुड़ा हुआ है। हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि शनि आलसी भी है, डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उदास रहते हैं, देखिए कि उनका शनि क्या कर रहा है। क्या चंद्रमा के साथ तो नहीं है जो कि उन्हें उदासी दे रहा है? ये सब चीजें आप चेक कीजिए। डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ ग्रह है शनि, डिप्रेशन देता है, परेशानी देता है, आलस दे देता है कभी कभी, लेकिन है कर्म का कारक। अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं अपने शनि को तो कर्म कीजिए, और जो कर्म करने वाले लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, अंदर से रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने नौकर को, किसी मजदूर को हेय दृष्टि से देखें कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्या इसकी औकात है, ये इतने कमाता है, मैं इतने कमाता हूँ। फिर आपका शनि कभी ठीक नहीं हो सकता, ना कभी आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना तो लोगों को समझने की समझ है और ना ही परिस्थितियों को समझने की समझ है। तब शनि कभी भी आपका साथ नहीं देगा। त्याग का कारक है वो, तो आप त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, सेवा कीजिए। जिनका शनि जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतने ज्यादा तपस्वी और सेवक होते हैं, अच्छी मेडिटेशन देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शनि हमारी कुंडली में और गोचर में भी, क्योंकि जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं हम गोचर में शनि के हिसाब से ही करते हैं। शनि की मूवमेंट्स कैसी हैं बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। अब शनि वक्री है तो हम उसी हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्शंस में चेंज हो जाती है शनि की गति से। एक राशि में 2.5 साल रहता है शनि, कितना स्लो होता है आप देखिए। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही निकल जाता है और शनि कितना टाइम लेता है। दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट है ना एक दूसरे के। मन कितना चंचल है और कर्म सोचने में तो 1 सेकंड लगता है, आप सोचिए ना, इसलिए दोनों इतने अपोजिट है एक दूसरे, लेकिन काम करने में वही कितना समय लगता है। मैंने सोच लिया कि मैं काम करूंगी, मैंने क्लास पास करनी है, लेकिन टाइम लगता है ना। देखिए कोई भी चीज़ अगर मुझे पढ़नी है तो 1 साल तो किसी भी चीज़ में लगता है। कर्म करने में बहुत समय लगता है और सोचने में कुछ भी नहीं। यही है चंद्र, मन और ये है कर्म। जीवन में हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। आप अपने कर्मों को महत्वपूर्ण बनाइए, इम्पोर्टेंट बनाइए, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अपने आप ही आपके कर्म महत्वपूर्ण बन जाएंगे। आप रिस्पेक्ट कीजिए अपने बड़ों की, बूढ़ों की, अपंगों की। अपंगों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि शनि का एक पैर खराब है और वो लंगड़ा के चलता है, उसको वो दर्द पता है, वो दुख पता है जो कि अपंगों के अंदर होता है, कि देखो एक हीन भावना है मेरे अंदर। एक हीन भावना भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि जितने अपंग है सबके अंदर हीन भावना होती है, लेकिन शनि जुड़ा हुआ है हीन भावना से। नॉर्मली हीन भावना होती है जो इंसान अपंग होगा उसके अंदर, मैं कॉमन सी बात कर रही हूँ। कोई अपंग है और उसके अंदर हीन भावना नहीं है तो वो मेरी बात को अन्यथा ना ले, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर हीन भावना नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम शनि को हीन भावना से जोड़ते हैं कि वो कुंठित है, उसके अंदर हीन भावना है कि मुझे मेरा हक नहीं मिला, तो आप अपंगों की सेवा कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, समान व्यवहार रखिए, उन्हें हेय दृष्टि से भी नहीं देखना और दया का पात्र भी नहीं समझना, दोनों ही चीजें गलत हैं। अगर आप उन्हें समान समझेंगे, अच्छी रिस्पेक्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका शनि। किसी भी अंधों के आप आश्रम में खाना दे सकते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा बोला जाता था कि कोड़ियों के आश्रम में आप खाना खिलाइए शनि के लिए, तो आप ये देखिए कहीं आप अनाथ बच्चों के साथ कोई न्याय तो नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि अच्छा हो तो अनाथालय में दान कीजिए, अनाथ बच्चों के ऊपर खर्चा कीजिए, उनको देखिए कि उनको किस चीज की जरूरत। इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है शनि, वो चीजें जो हम जीवन में ध्यान, वो चीजें जिनको हम जीवन में महत्व ही नहीं देते, हम समझते ही नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है। हमारे घर का नौकर, मकान बनाने वाला मजदूर, एक अनाथ व्यक्ति, एक अपंग व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति, कोई भी पीड़ित हो कहीं से भी, जो भी सरकार से पीड़ित है वो जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से शनि से, क्योंकि सरकार ने उसको सपोर्ट नहीं दी, कभी भी सूर्य ने उसको सपोर्ट नहीं दी। सरकार से पीड़ित व्यक्ति, कोई भी दलित व्यक्ति, सबके सब जुड़े हैं शनि से। आप इनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, देखिए ना आपका शनि कितना स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दान दे देते हैं, सोचते हैं कि दया के पात्र है, दया के पात्र नहीं समझिए। आप उनको उनका हक दिलाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका शनि कितना अच्छा हो जाएगा। समान तो रखिए आप उन्हें, दया ही सिर्फ नहीं दिखानी है आपको, एक मजदूर को भी समान रिस्पेक्ट देनी है, तब आप जाके आपका शनि अच्छा होगा। इन सब चीजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है
और ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी इन मॉरल वैल्यूज को लें, कैसे हमें हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी, छोटे से छोटा आप ये ना समझे कि मैं उन लोगों को छोटा कह रही हूँ, छोटे से छोटा मतलब हर एक जो एक कोने में है, हर एक की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यही चीजें हमें मटेरियल गेन कराती हैं, यही चीजें हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है और यही हमारे अंदर तपस्या लाती है। अगर हमने ये सब ना किया तो बताइए हमें आत्मिक संतुष्टि कभी मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। हमें तब आत्मिक संतुष्टि मिलती है जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, जब हम अच्छा करते हैं, तभी तो हमें आत्मिक सुख मिलता है। और जब आत्मिक सुख मिलता है उसके बाद ही हमारी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है। अगर हम अच्छा नहीं कर रहे, किसी की सेवा नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो हम अंदर से जानते हैं कि हम क्या है, हम टूटते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। जब हम बैठते हैं तो भटकाव होता है, बहुत भटकाव होता है। सुकून कैसे मिलेगा मन को, आत्मा को सुकून कैसे मिलेगा जब तक आप इस तरीके के अच्छे काम नहीं करेंगे? आप समझिए कि इन सब कामों का क्या महत्व है, क्यों कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है शनि से, क्योंकि ये जुड़ी हुई है सेवा भाव से, तपस्या से। आप सेवा करके आइए, किसी की तपस्या कीजिए। तपस्या मतलब सेवा करने के समय जो तपस्या होती है, जब हम काम करते हैं, तब देखिए आपके मन में किस तरीके से भाव आएंगे, विचार आएंगे, कितना सुकून मिलता है। वो सुकून जो हमें मिलता है वही हमें दिलाता है अच्छी कॉन्सेंट्रेशन, अच्छी एकाग्रता, अच्छा ध्यान, अच्छी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि अपने आप को हरेक से जोड़ना, हरेक के बारे में सोचना, हरेक की रिस्पेक्ट करना। शनि के लिए बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन आज मैं यही विराम करूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए और ज्योतिष का सम्मान कीजिए। मैं डॉक्टर रमा जोशी, नमस्कार।